तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का अपना टॉपिक है कि भाई अपन मारुति वैन में एसी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो आप कैन वी इंस्टॉल एसी इन मारुति ओमनी? देख लो, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हूँ और भाई बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पेस है भाई ये गाड़ी में। अगर आप पकड़ो तो किसी भी कार से ज़्यादा स्पेस ये गाड़ी में है। और अपन कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये बात सोचेंगे कि कार मारुति वैन में एसी लग सकता है या नहीं लग सकता। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये अपना मारुति वैन जो कि है काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस, किसी भी कार को छोड़ के ये गाड़ी में ज़्यादा स्पेस लगता है भाई मुझे। और मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, 2016 मॉडल है। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सक रहे हो, मेरी गाड़ी 2016 मॉडल है, इसमें एक ब्लोअर लगा हुआ है नीचे। तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैंने गूगल पे सर्च किया एयर कंडीशनर फॉर कार, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं मेरे लिए, मतलब हम सबके लिए। कोई ह्यूमिडिफायर है, कोई सिंपल ब्लोअर है भाई, लेकिन ये कुछ हद तक ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत ही हवा फेंकते हैं भाई, कूलिंग तो कोई भी चीज़ नहीं करती। जो कार की जो प्रॉपर एसी होता है वो जो कूल करता है, वैसी कूलिंग कोई ये चीज़ नहीं दे पाता है, कौन सी भी चीज़ नहीं दे पाता है। तो भाई हम सीधा गाड़ी में मारुति वैन में एसी फिट करके ही देख लेंगे। तो भाई फटाफट से 1000 लाइक स्पैम कर दो और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो भाई अकॉर्डिंग टू गूगल और लोगों के अनुसार भाई गाड़ी का इंजन है, ये जो दो सीट होती है ड्राइवर साइड और किन्नर साइड की जो सीट होती है, इसके नीचे इंजन होता है गाड़ी का। इसकी वजह से ये गाड़ी में कंप्रेसर लगाने में जगह होती नहीं है। तो दोस्तों गूगल माता को मैंने पूछा एसी लगाया जा सकता है कि नहीं, तो वो बोल रहे हैं ओमनी डज नॉट फीचर एसी इन एनी ऑफ इट्स वेरिएंट, इट्स वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस कार एज द इंजन इज माउंटेड इन द कैबिन। देयर इज कंप्लीट यूसेज ऑफ अंडर चैसिस पोर्शन राइट फ्रॉम फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर। देर इज नो इनफ स्पेस टू फिट एसी कंडेंसर असेंबली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो भाई अगर ये वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो भाई आपका भाई जहन्नुम में जाएगा और ये गाड़ी में एसी लगा के लाएगा। और गाइज अगर ये गाड़ी में एसी अगर फिट होता है तो भाई एसी फिट होने के बाद ये गाड़ी का रिव्यू आपका भाई आपको देगा कि गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस है एसी का। भाई मेरे हिसाब से तो गाड़ी में एसी काम करना चाहिए, एवरेज थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, वो सब अपन लगा के ही चेक कर लेंगे बाद में। तो तब तक के लिए वेट क्या कर रहे हो भाई लोग, फटाफट से 1000 लाइक कर दो। और गाड़ी में एसी लगने के बाद मारुति वैन कैसा लगता है, कितना कारगर है एसी अपने गाड़ी में, चेक करते हैं। I'm sorry, but...